हेलो एवरीवन, आज के वीडियो सेशन में हम जो MySQL के अंदर डेटा का किस तरह से अपडेशन और डिलीशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। डेटा अपडेशन, वी मे नीड टू मेक चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन और मोर कॉलम ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। ठीक है, मान लो कि हमको जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें से क्या करना है, उस उसके जो कॉलम के अंदर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उसको हमको चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, अपडेट क्वेरी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मान लो कि कुछ कोई चेंज आपको करना है किसी भी टेबल के अंदर। जैसे मान लो कि फ़ोन नंबर चेंज करना है या किसी नेम की स्पेलिंग थोड़ी सी अगर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसका जो जनरल जो फॉर्मेट होता है वो होता है अपडेट देन टेबल का नेम देन सेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट्स में चेंज करना है देन उसके बाद वैल्यूज़, फिर उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स पास करते जाते हैं। जो जो एट्रीब्यूट्स में चेंज करना है वो हम इसमें पास कर देंगे। देन उसके बाद कंडीशन पास करेंगे जिसका भी हमको चेंज करना है, जिसका या तो रोल नंबर या नेम पास करेंगे जिस। ठीक है, तो इस तरह से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है टेबल उसको डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले करने टेबल को डिस्प्ले करने के लिए कमांड देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल डिस्प्ले हो गई। अब इसके अंदर देखो, मान लो कि ये पर्टिकुलर कॉलम है, इसके अंदर जो पास किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड है देखो ये आ रहा नल। ठीक है, मेरे को इसमें क्या करना है कि कोई कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। मान लो कि सपोज इसमें बाद में मेरे को पता चला इसमें 500 रुपीज़ या 500 बोनस में ऐड करना है। ठीक है, इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है, टेबल का नाम एम्प्लॉई है। ठीक है, और उसकी जो फील्ड कौन सी है, बोनस है। ओके, तो और जो एम्प्लॉई नंबर चेक कर लेते हैं कि इसका एम्प्लॉई नंबर क्या है, 102 है। ठीक है, और इसका एम्प्लॉई नेम है, एम्प्लॉई नेम भी ये क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम कंडीशन पास करेंगे, तो इसके लिए जो कमांड होगी ये हो जाएगी अपडेट, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय पास कर देते हैं, देन सेट। ओके, क्या करना है हमको, बोनस पास कर देते हैं, बोनस इसको करना है कितना, 500 करना है। और इसमें कंडीशन पास कर देते हैं किसका आपको रिकॉर्ड चेंज करना है। ठीक है, तो मैं इसमें एम्प्लॉय आईडी ले रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर ले लेता हूँ, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, जिसका एम्प्लॉय नंबर क्या हो, 107। ठीक है, और इंटर करके देखते हैं। ओके, वन रो अफेक्टेड, ये मैसेज आ गया। ठीक है, इसमें आ गया मैसेज। ठीक, तो इसको अभी हम चेक करके देखेंगे। तो चेक करने के लिए फिर मैं वापस सेलेक्ट कमांड चलाता हूँ, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो पास किया था इसमें, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी क्या था, 10, दिस द एम्प्लॉय आईडी 107। ठीक है, उसका हमने क्या चेंज किया, बोनस, ये बोनस चेंज कर दिया। बोनस को मैंने पहले नल था, अब नल रिप्लेस होके क्या हो गया, 500 हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसके रिकॉर्ड को भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाय द वे मेरे को फिर बाद में याद आया कि जो मैंने नेम इंटर किया है, ठीक है, जैसे ये जो यहाँ पे नाम पास किया इसका नाम था आलिया। ठीक है, मैंने गलती से नेम क्या कर दिया, गलत इंटर कर दिया। अब इसको मेरे को चेंज करना है, इसका नाम मेरे को चेंज करके क्या करना है, रोज करना है। ठीक है, आलिया की जगह क्या था, वो रोज चेंज करना है, मीन्स ई नेम को अपडेट करना है। तो उसको भी हम अपडेट करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें पास कर देंगे हम अपडेट। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉई देन सेट, अब यहाँ पे पास का ई नेम, ई नेम क्या करना है हमको, रोज करना है, तो यहाँ पास कर देंगे रोज, देन कंडीशन पास करेंगे वेयर ई नंबर, ई एम पी नंबर जिसका क्या हो, 101। तो भी चेंज करके देखते हैं,
ठीक है, इसमें आ गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करते हैं, ओके। तो ये देखो जो हमने पास किया था, यहाँ पे जो पुराना रिकॉर्ड था वो क्या था, आलिया, अब वो किस पे चेंज हो गया, रोज के अंदर। तो इस तरह से हम जो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड उसकी जो वैल्यूज है उसको भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। डेटा डिलीशन, डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एंड रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ठीक है, हम इस जो डिलीट कमांड यूज करते हैं या डिलीट स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो जो टेबल है टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या आ गया, सेलेक्ट, सॉरी ये हो जाएगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन, कंडीशन पास कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज स्टूडेंट विद द रोल नंबर 2 हैज लेफ्ट स्कूल, वी कैन यूज द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर कितना है, 2 है, उसने मान लो कि वो स्कूल से क्या हो गया, टीसी हो गया, तो अब उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना, तो यहाँ पे पास करना है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू दिस, तो वो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम माई स्कूल प्रॉम्प्ट, ओके, हमें मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं, इस रो का लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस रो को हमको पूरा पूरा इसमें से डिलीट करना है। ठीक है, ये एम्प्लॉय है, ये मान लो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को इसने छोड़ दिया है, ठीक है, या उसका ट्रांसफर हो गया है, तो उसको हमको डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड पास करेंगे, ये हो जाएगा डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम क्या हो गया, एम्प्लॉय। ठीक है, कंडीशन पास कर देंगे वेयर, ठीक है, ई एम पी नंबर पास कर देंगे, एम पी नंबर क्या है इसका, 110 इज इक्वल टू करके 110। ठीक है, इसको एंटर करेंगे, ओके, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई इसकी, इसको स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिलीट फ्रॉम पर्टिकुलर जो टेबल एम्प्लॉय, उसमें से रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो इसको चेक करते हैं, डिस्प्ले करते हैं सेलेक्ट कमांड के थ्रू। ओके, तो ये जो रिकॉर्ड था इसका जो लास्ट वाला रिकॉर्ड, इसमें से डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो टेबल है टेबल के अंदर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाय द वे आपने जो कमांड पास की थी इसमें हमने डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय ये कमांड अगर पास कर दिया, तो इस केस में क्या करेगा कि आपने कोई कंडीशन इसमें दी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन आपने इसमें पास नहीं की, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस टेबल का जो पूरा रिकॉर्ड है इसको डिलीट कर देगा, पूरे पूरे रिकॉर्ड को क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। ठीक है, इसलिए जब हम टेबल से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उसके साथ में हम उसके साथ कंडीशन जरूर दें, अदरवाइज वो पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा या रिमूव कर देगा।